इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स को कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो राइट्स दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई हैं, और कंपनी के मेंबर्स ने उन्हें जो एक्शंस या जो काम करने के लिए कहा है, उन कामों के लिए डायरेक्टर्स के क्या क्या कर्तव्य हैं, उन्हें क्या क्या कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स को क्या क्या काम करने हैं, और अगर डायरेक्टर्स इन ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उसे हम एक तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानेंगे कि डायरेक्टर्स ने कंपनी के साथ जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था उसे ब्रेक किया है, और कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, जिसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स के कर्तव्य क्या क्या हैं, उन्हें क्या क्या काम करने हैं। अब यहाँ पे जब हम डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ को क्लासिफाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा तीन टाइप की ड्यूटीज़ बेसिकली हो सकती हैं। फर्स्ट वी हैव इज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, यानी कि वैधानिक कर्तव्य जो कि किसी डायरेक्टर को पूरे करने ज़रूरी हैं। सेकंड है जनरल ड्यूटीज़, यानी कि सामान्य कर्तव्य। तीसरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज BOD, यानी कि कंपनी की सामाजिक रूप से क्या जिम्मेवारी है, वो भी डायरेक्टर्स को पूरी करनी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट में लिखे गए ड्यूटीज़ हैं जो कि डायरेक्टर्स को इन तीनों ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग करनी है, लाइक दे आर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ और दे आर जनरल ड्यूटीज़ और दे आर देयर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे। जैसे प्रोस्पेक्टस को चेक करने का राइट है, साइन करना है, एनुअल स्टेटमेंट्स को शो करना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग को करवाना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना है, जनरल मीटिंग को कंडक्ट कराना डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइमली डिविडेंड को डिक्लेयर करना और उसे पे करना भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, और अगर विद इन 30 डेज़ वो डिविडेंड पे करने का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए डायरेक्टर्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एनुअल अकाउंट्स को, जैसे कि P&L अकाउंट है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, इन सबको जनरल मीटिंग में शो करना भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रार को सभी एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी आपने जो कुछ डिस्कशंस किए हैं, चाहे वो आपके मिनट्स हों, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हों, इन सब की कॉपीज़ आपको रजिस्ट्रार के पास एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में सेंड करनी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी इसके लिए ही डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इंस्पेक्शन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स शो किए जाने हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को शो करना भी डायरेक्टर्स की ही ड्यूटी है। कंपनी की इंसॉल्वेंसी के बारे में डिस्कस करना, लाइक कोई कंपनी अगर वाउंड अप चाहती है तो वाइंड अप अगर उसके शेयर होल्डर्स, उसके मेंबर्स वॉलेंटरी चाहते हैं, तो इस केस में कंपनी की ऋण देने की क्षमता क्या है, इसके लिए घोषणा करना भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर डायरेक्टर का कंपनी से रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट है, उसका कोई पर्सनल हित है, तो डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि मीटिंग से पहले वो आकर मेंबर्स को ऐसा इन्फॉर्म करे। उसके बाद डायरेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट बनाना और डायरेक्टर्स के रिपोर्ट प्रिपेयर करके भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ ऐसे वैधानिक कर्तव्य हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, और इन सब के लिए डायरेक्टर्स को अपना काम अच्छे से करना है। ये सब काम उसे कानूनी रूप से करने ज़रूरी हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस को चेक करना, जैसे अगर कोई कंपनी पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है शेयर्स देने के लिए, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को पब्लिक को देने से पहले डायरेक्टर्स चेक करेंगे, वो चेक करेंगे सभी व्यक्तियों के साइन है या नहीं है, तो जनरल मीटिंग कराना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कराना, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस, ये सब काम करना डायरेक्टर्स का वैधानिक कर्तव्य है। सेकंड हम बात करते हैं जनरल ड्यूटीज़ की, यानी कि सामान्य कर्तव्य क्या हैं। पहला,
डायरेक्टर्स हमेशा कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में एक विश्वास आश्रित रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। अगर डायरेक्टर ऐसा काम नहीं करते, अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हैं, कंपनी के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो ये डायरेक्टर को दिए गए पावर्स के अगेंस्ट होगा। नंबर टू, डायरेक्टर को जितना काम कहा जाए मेंबर्स के अकॉर्डिंग या आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, डायरेक्टर को उतना ही करना है, उसे ओवर क्लेवर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, हम बात करें डायरेक्टर को जो भी काम दिए गए हैं वो उसकी उसे लापरवाही ना दिखाए। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभी मीटिंग को अटेंड करे। उसके बाद डायरेक्टर्स को जितनी भी ड्यूटीज़ दी गई हैं उसके उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य है कि वो उन सभी कामों को वो अच्छे से पूरा करें। डायरेक्टर कंपनी के एजेंट हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अ डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर, यानी कि जब हमने डायरेक्टर्स को राइट्स दिए हैं काम करने के लिए, तो डायरेक्टर्स अपने राइट्स आगे किसी और को नहीं दे सकते। अगर किसी कंडीशन में कंपनी के आर्टिकल्स ऐसा अलाउ करते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स अपने वो अधिकार दूसरे को देके कंपनी से रिलेटेड एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे कुछ साधारण कर्तव्य जो डायरेक्टर्स को पूरे करने ज़रूरी हैं। थर्ड वी हैव इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सामाजिक रूप से किन उत्तरदायित्वों को पूरा करना ज़रूरी है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद काम नहीं कर सकती, इसलिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर रहे हैं, इसके लिए भी कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन डाला गया है, सेक्शन 135। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने प्रॉफिट्स के कम 2%, हेयर इट इज़ 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी, यानी किसी कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जितने नेट प्रॉफिट अर्न किए उसका हम एवरेज निकालेंगे और उसका 2% कोई कंपनी CSR पे स्पेंड कर सकती है। कंपनी के डायरेक्टर्स जो CSR में फंड्स डोनेट करेंगे, वो फंड्स किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। कंपनी किसी भी रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, जैसे गरीबी मिटाना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स को कैसे स्ट्रांग बनाना है, स्मॉल किड्स को जो चाइल्ड का मोर्टैलिटी होती है उनको कैसे शिशु मृत्यु दर को रोकना है, एनवायरमेंट को कैसे बिजनेस फ्रेंडली बनाना है, लोगों को नेशनल लेवल के रिलीफ फंड के लिए हेल्प करना, तो ये सब डायरेक्टर्स की CSR उन्हें पूरी करनी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चे कि डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स भी होती है, लेकिन उन पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो यानी कि जब उन्होंने वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, तो उन्हें उनको दी गई शक्तियों के अंदर ही वो काम कंप्लीट करने हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि डायरेक्टर्स अगर कोई काम कर रहे हैं और वो उनको ऑथराइज़ नहीं था, यानी किसी काम को करने के लिए डायरेक्टर्स के पास परमिशन नहीं थी, फिर भी डायरेक्टर्स ऐसा काम कर देते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स मीटिंग में ऐसे काम को रेटिफाई कर देते हैं, यानी कि उसको मंजूरी दे देते हैं। और अगर मेंबर्स ने मीटिंग में ऐसे काम को मंजूरी दे दी है, तो डायरेक्टर्स द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से किया गया काम वो इंट्रा वायरस तो है, लेकिन कंपनी के रेंज में है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और डायरेक्टर को इसके लिए पर्सनली लायबल भी नहीं माना जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे ड्यूटीज़ के साथ पढ़ेंगे उनके पावर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं, यानी कि कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं कि डायरेक्टर्स जब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे बिजनेस के लिए, तो सेक्शन 180 कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। वो क्या है, यानी कि डायरेक्टर्स को अगर कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस लेने हैं, तो उन्हें कंपनी की जनरल मीटिंग में विशेष प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब उनकी ये शक्तियाँ क्या हैं जिनके लिए उन्हें प्रस्ताव पास करना होगा। फर्स्ट इज़ कोई भी डायरेक्टर कंपनी के बिज़नेस को बेच नहीं सकता, किराए पर नहीं दे सकता, या तो सारा बिज़नेस या बिज़नेस का कोई पार्ट, यानी कि डायरेक्टर कंपनी से पूछे बिना कंपनी के किसी पार्ट को, किसी अंडरटेकिंग को नहीं बेच सकता।
ऐसा करना है तो उसे कंपनी की मीटिंग में विशेष प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत है। दूसरा, कंपनी का अमाउंट मर्जर या एमलगमेशन की वजह से आप कंपनी की फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी की जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ के सिवा अगर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपनी से इसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के परमिशन लेनी ज़रूरी है। थर्ड, डायरेक्टर्स जब बाहर से फंड्स बोरो करना चाहते हैं तो हमने पढ़ा था या तो वो डिबेंचर्स के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर किसी अदर मैनर में अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें विशेष प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत है। कंपनी के डायरेक्टर्स बिजनेस को चलाने के लिए जब फंड्स बोरो करेंगे तो ऐसे फंड्स कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें हमने टेम्परेरी लोन को इंक्लूड नहीं करना। तो इतने टोटल लोन कोई डायरेक्टर ले सकते हैं और अगर एडिशनल फंड्स बोरो करना चाहते हैं, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा फंड्स बोरो करना चाहते हैं तो इसके लिए डायरेक्टर्स को विशेष प्रस्ताव पास करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि डायरेक्टर ने अगर कुछ अमाउंट कोई लोन कंपनी को देना है तो डायरेक्टर को ऐसा करने के लिए अगर कुछ टाइम हमें एक्स्ट्रा देना है या डायरेक्टर ने वो पैसे वापस करने हैं तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि या तो हम डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते और अगर देंगे तो उन्हें अगर एडिशनल टाइम चाहिए तो इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास कराना होगा। आगे बात आती है कि हमने कंपनी के जनरल मीटिंग में कोई विशेष प्रस्ताव पास करना है तो अगर हम टोटल मनी जो पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व से ज़्यादा अगर हम फंड्स बोरो करना चाहते हैं तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की कोई प्रॉपर्टी अगर किसी को लीज पे या रेंट पे दे दी है और ऐसा करना कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पहला केस कि ये डायरेक्टर्स को ही ऐसा करने की परमिशन नहीं है और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा करना और कंपनी के गुड फेथ में है, कंपनी के बेनिफिट के लिए है तो ऐसे एक्ट को करने के लिए भी डायरेक्टर्स को कंपनी की मीटिंग में प्रस्ताव पास करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमने किया सेक्शन 180, हमने कहा कि डायरेक्टर्स को अपने अधिकार यूज़ करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे प्रतिबंधों को केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही दूर करके ऐसे कामों को किया जा सकता है। अब बात आती है डायरेक्टर्स चैरिटेबल फंड में भी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि कंपनी के या एम्प्लॉई के जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके कल्याण के लिए हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यानी चैरिटेबल फंड में अगर डायरेक्टर्स कुछ अमाउंट डालना चाहते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं तो कंपनी की जनरल मीटिंग में उन्हें परमिशन लेनी ज़रूरी है। ऐसा जो आपने चैरिटी करनी है वो आपकी कंपनी के पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए सेक्शन 181 ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी में आप योगदान देना चाहते हो। कंपनीज़ एक्ट 1956 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में इस चीज़ को लेके एक प्रोविज़न बनाया गया कि कंपनीज़ पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए भी योगदान दे सकती हैं। जैसे किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, उनके लिए सपोर्टिंग वोट्स को कुछ मेंटेन करना है तो इस तरह के डिसीजंस कंपनी ले सकती है। इसके लिए चैरिटी कर सकती है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकती है, लेकिन ऐसा कंट्रीब्यूशन जब भी किया जाएगा तो वो 7.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर कोई कंपनी सेक्शन 182 में जैसा कि प्रोविज़न दिया हुआ है 7.5% उससे ज़्यादा का अगर कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है तो ये सेक्शन 182 के अगेंस्ट है जो कि एक पनिशेबल माना जाएगा। इसके लिए जितना अमाउंट आपने दिया है यानी कि 7.5% से ज़्यादा आप देते हो तो इसके लिए उस अमाउंट का 5 times आपको एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल डिफेंस फंड सेक्शन 183, इसमें भी कोई डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऐसा कंट्रीब्यूट करने के लिए जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसमें भी कोई कंपनी के डायरेक्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और ऐसा करने के लिए सेक्शन 183 ने कंपनी के डायरेक्टर्स को परमिशन दिया हुआ है। और जब भी किसी तरह का फंड आप चैरिटी में देंगे तो उसको हमें P&L अकाउंट में मेंशन करना ज़रूरी है। तो बच्चे यहाँ हमने किया डायरेक्टर्स की पावर्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो क्या क्या थे, यानी कि डायरेक्टर्स सभी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कुछ अधिकारों को यूज़ करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट है तो रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद ही डायरेक्टर्स उनको दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। चैरिटी में आप 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप 2% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है तो आप 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। और NDF में, नेशनल डिफेंस फंड में, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को के अकॉर्डिंगली उसके एडजस्टमेंट करके अपने अकाउंट से ऐसे फंड्स को दे सकते हो और उन्हें P&L अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर गिवन टू डायरेक्टर्स। Students, this topic is over now.